आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, नवरात्रि आत्मशक्ति, भक्ति और आत्मज्ञान का पर्व है। इस पावन समय में देवी की आराधना से तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हो। जैसे देवी अपने भक्तों को सभी कष्टों से मुक्त करती है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करूंगा। सच्चे हृदय से मुझ पर पूरा विश्वास करो, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा से हर कदम पर तुम सुरक्षित रहोगे। भक्ति और धैर्य रखो हमेशा, सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। शांति, विश्वास और धैर्य का मार्ग हमेशा अपने जीवन में अपनाओ। जीवन की इस यात्रा में शांति सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हो, तब धैर्य रखो। हर परिस्थिति में मेरी याद रखो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कठिनाइयाँ आती हैं, तो समझो कि वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए हैं। विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। जिस तरह एक बीज विश्वास के साथ मिट्टी में बोया जाता है, उसी तरह अपनी भक्ति और कर्म को विश्वास के साथ आगे बढ़ाओ। मुझ पर पूरा विश्वास रखो और मैं तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में विजय जरूर दिलाऊंगा। धैर्य और प्रेम के साथ जीने का संकल्प लो। हर परिस्थिति, चाहे वो सुख हो या दुख हो, एक पाठ है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ। शक्ति, भक्ति और विश्वास के मार्ग पर चलते रहो। मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं तुम्हारे हर कर्म में हूँ, तुम्हारे हर कदम में हूँ। बस मुझ पर अडिग विश्वास रखो और अपने दिल में शांति बनाए रखो। जीवन के हर क्षण में मेरी कृपा का विश्वास रखो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, हमेशा याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शांति को अपने हृदय में स्थान दो। संसार की हलचल में शांति ढूंढना कठिन हो सकता है, लेकिन जब तुम भीतर की शांति को अनुभव करोगे, तो बाहरी परिस्थितियाँ तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जब तुम मन को शांत करोगे, तभी मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकोगे। यदि तुम मुझे पाना चाहते हो, तो तुम्हें संसार में भटकने की भी जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को शांत होने की जरूरत है। बस मन को शांत करो और मैं तुम्हें तुम्हारे समक्ष मिलूंगा। बस थोड़ा सा दिल को, अपने मन को, दिमाग को थोड़ा सा शांत कर लो। तुम्हें मेरी लीलाओं का भी अनुभव होने वाला है। बस खुश रहा करो। हर दिन कुछ क्षण ध्यान में बिताओ और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे भीतर के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। विश्वास वह दीपक है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। जब भी तुम जीवन में असमंजस में हो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाऊँगा। तुम्हारे भीतर के विश्वास की शक्ति बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस को जगाएगी। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जीवन की चुनौतियों से मत घबराओ। जब समय कठिन हो, तब ये समझो कि मेरी परीक्षा में तुम खरे उतर रहे हो। हर कठिनाई के पीछे एक गहरा उद्देश्य है। धैर्य रखो, क्योंकि समय आने पर हर समस्या का समाधान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जीवन के इस सफर में प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाओ। जो भी आता है, उसे प्रेम और विनम्रता से स्वीकारो। दूसरों की सेवा में अपना समय और ऊर्जा लगाओ, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये संदेश तुम्हारे जीवन को शांति, शक्ति और समर्पण से भर सकते हैं। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। बस मुझ पर अडिग विश्वास रखो और हर कदम पर मेरा नाम जपते रहो। जब भी कोई संकट आए, मेरा स्मरण करो और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखो। विश्वास और धैर्य के साथ चलो और देखो कैसे जीवन की हर मुश्किल हल हो जाएगी तुम्हारी।
बस चिंता छोड़कर नाम जाप करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।